कोरोना वायरस की वजह से देश 3 मई तक लॉकडाउन है और ऐसे में कई लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। इस घड़ी में समाज सेवी लोगों से लेकर पुलिस तक लोगों के घर खाना पहुंचाकर मदद कर रही है। इसी बीच दिल को छू जाने वाली कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो मध्य प्रदेश के रीवा से वायरल हो रहा है। जो इस वीडियो को देख रहा है वो बस पुलिस की तारीफ कर रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर पूरा मामला समझिए। दरअसल एक बुजुर्ग महिला बीते दिनों रीवा के खन्ना चौराहा स्थित स्टेट बैंक पहुंची थी। उन्हें खबर मिली थी कि जनधन खाता धारकों के अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं। बैंक के बाहर लोगों के जमा होने की जानकारी मिली तो ट्रैफिक डीएसपी मनोज वर्मा वहां पहुंचे। बुजुर्ग महिला को परेशान देखकर उन्होंने उस महिला को राशन दिया, जिसके बाद महिला पुलिस अफसर से लिपट कर रोने लगी। इसके बाद पुलिस अफसर ने सांत्वना दी और कुछ पैसे दिए। इस पूरे वाकया का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग पुलिस वाले की जमकर तारीफ कर रहे हैं। न्यूज डेस्क।